नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश पाल आईसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अधिगम के बारे में जाना था कि अधिगम क्या है, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, अधिगम की परिभाषाएं क्या है, आठ प्रकार की परिभाषाएं बताई थी, बहुत ही बेहतरीन परिभाषाएं विद ट्रिक के साथ हमने आपको बताई थी। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज हम अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं और कौन कौन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम चैप्टर, पढ़ रहे थे और आज हम अधिगम के अंतर्गत पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अब इसमें सिद्धांतों में मुख्यतः चार प्रकार के आपके सिद्धांत हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के हैं। उसमें से एक सिद्धांत आपका जो है वो पावलोव के द्वारा दिया गया है, दूसरा सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के दिया गया, तीसरा स्किनर और चौथा सभी को पता होगा, शायद नहीं पता है तो सुनिए, कोहलर के द्वारा दिया गया। तो चार प्रकार के आपके अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं और चार के चारों सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार तो पूछ लिया जाता है सिद्धांत दे दिया, पूछ लिया किसके द्वारा दिया गया, कभी कभार उसकी इंटरनल चीज दे देते हैं, ठीक है, और उसमें से कोई शब्द दे दिया, पूछ लिया किसके द्वारा, कभी कभार पूछ देते हैं इन लोगों ने अपना प्रयोग किस पर किया, ये पूछ देते हैं, तो प्रयोग पर पूछ लिया जाता है। कभी कभार पूछ लेते हैं विभिन्न विभिन्न नामों से पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन बनने के कई तरीके होते हैं। आज हम उन सभी तरीकों पर चर्चा भी करेंगे और जानेंगे भी। तो हमने आपको चार नाम बताया, चारों नाम हम लिखे दे रहे हैं। पहला बताया आपको पावलोव, दूसरा स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा कोहलर। चार सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, चारों सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। एक और सिद्धांत है उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो आप जो है ज्यादा नामी पर केवल पूछ लेते हैं किसका सिद्धांत है, बस इससे ज्यादा नहीं। पावलोव के द्वारा सिद्धांत जो दिया गया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है, स्किनर के द्वारा जो है वो आर्य सिद्धांत दिया गया है, आर का मतलब अनुक्रिया और उद्दीपक सिद्धांत, थॉर्नडाइक के द्वारा जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और कोहलर के द्वारा जो है सूज का सिद्धांत। तो इन सभी चारों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे आपको पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग पावलोव के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। पहला सिद्धांत आपका है पावलोव का सिद्धांत है, तो ये तो प्रतिपादक होगा। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि पावलोव दो लोग हैं और जो ये पावलोव हैं उनका नाम पूरा भी पता होना चाहिए आपको। इनका नाम है इवान पेत्रोविच पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव, ठीक है, पेट्रोविच भी लिखा जाता है हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ी इंग्लिश इसकी दूसरी प्रकार की, हिंदी में दूसरी प्रकार। तो ये इनका नाम है, इनको ई पी पावलोव शॉर्ट में जो है ऐसे लिखा जाता है, ई पी पावलोव। चलिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था उसका नाम, सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, कई नामों से पूछा जाता है, सभी नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले सिद्धांत का नाम जो है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। दूसरे शब्दों में इसको कहा नाम दिया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्या कहा गया? एक तो नाम हो गया प्राचीन अनुबंधन, दूसरा हो गया शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा नाम जो है इसी से संबंधित थोड़ा इसको शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा हो गया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए एक ही
सिद्धांत के कई नाम, प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया और एक होता है क्लासिकल, क्लासिकल अनुबंधन या कंडीशनल। ठीक है, देखिए शास्त्रीय की जो है इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, शास्त्रीय, क्लासिकल कहते हैं। तो नाम देखिए इंग्लिश में है लेकिन इसको हिंदी में लिख करके पूछ लिया गया है कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिए। केवल और केवल ये इसलिए पूछ लिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। बस अगला है संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का। तो देखिए मैंने आपको पांच नाम यहां पर बताया, एक बताया प्राचीन अनुबंधन, दूसरा बताया शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन, संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। यह सिद्धांत हमको पढ़ना है, ये सभी एक ही सिद्धांत के नाम है, जैसे राम बलि उर्फ राम, तो उर्फ वाले सब नाम है। तो अब हम इनमें कुछ ऐसे शब्द आ गए हैं जिन पर हमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो पहले बात तो यही समझ लीजिए कि इसके प्रतिपादक कौन है, पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। दूसरी चीज हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं, ये रूसी, रूस में पैदा हुए हैं, तो रूसी वैज्ञानिक माने जाते हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक से पहले ये डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर, वो भी शरीर विज्ञान के, इसके डॉक्टर थे, शरीर विज्ञान के डॉक्टर थे। और इन्होंने सन 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया जा चुका है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है पावलोव जी को। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लिया जाता है कि ई पावलोव को नोबेल कब दिया गया, तो 1904 में। तो ये हो गया आपका। अब हम इसके, इनके जो ये सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्या है, उस पर भी चर्चा। तो इतनी चीजें समझ गए, प्रतिपादक, इसके सभी नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। हम पढ़ते हैं सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इस सिद्धांत में जो शब्द आए हैं, थोड़ा उनके बारे में जान लें। प्राचीन तो एशियंट हो गया, यानी सबसे पुराना जो है, यानी सबसे पहला भी कह सकते हैं अधिगम का सिद्धांत है। अनुबंधन, अनुबंधन का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरे से कनेक्ट कर देना, जोड़ देना। ठीक है, तो अनुबंधन हो गया। और इसमें अनुकूलित, जब कोई क्रिया किसी के, कोई कार्य करने किसी के अनुकूल होने लगे। ठीक है, मतलब अगर आपको गर्मी, गर्मी जो है पसंद नहीं है, यानी कि जाड़ा पसंद है, और जाड़े में जाड़ा आ जाए तो आपका वातावरण जो है वो आपके अनुकूल हो रहा है, तो अनुकूलित अनुक्रिया, जो कार्य उसके मनमाफिक होने लगे, अनुकूल होने लगे। तो इसमें तो ये वर्ड आ गए। जो इस सिद्धांत में चार महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम चारों यहां पर लिख रहे हैं और इनको कायदे से समझिए। पहला, एक अनुक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। क्या कहते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया। दूसरा नाम अस्वाभाविक अनुक्रिया। तीसरा, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। चौथा है अस्वाभाविक उद्दीपक। चार शब्द इसमें बहुत ज्यादा है, इन्हीं चारों, यही चार वर्ड पूरा सिद्धांत क्लियर करेंगे अगर आप समझ गए कायदे से। स्वाभाविक अनुक्रिया, अगर किसी के अकॉर्डिंग अनुक्रिया कराई जा रही है, हमारे अनुसार कोई कार्य हो रहा है, जैसे अगर हमको मान लीजिए हमें ये चीज खानी है, हमें आज खाने में कुछ ऐसी चीज खानी है जो हमें पसंद है और वही बनती बना दिया जाए, तो वो हमारी जो जो अनुक्रिया हो रही है वो हमारे स्वाभाविक हो रही है। ठीक है, अस्वाभाविक, हमसे विपरीत जो अनुक्रिया वो अस्वाभाविक हो गए। स्वाभाविक उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब है जो कार्य हो रहा है, जैसे ये तो अनुक्रिया का मतलब जो कार्य किया जा रहा है और जो कार्य लेकर के किया जा रहा है। जैसे हमको मान लीजिए हमको कपड़ों में कोट पैंट बहुत पसंद है, तो कोट पैंट हमारे लिए स्वाभाविक अनुक्रिया का कार्य करना, मतलब बन रहा है, कोट पैंट हमारे लिए बनवाया जा रहा है, तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है।
जो कोट पैंट है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, वो क्या है? उद्दीपक है। कोट पैंट क्या है? उद्दीपक। उद्दीपक कोई वस्तु हो सकती है। उद्दीपक क्या हो सकता है? कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, इसमें से कोई भी चीज हो सकती है। और उद्दीपक को हम लोग संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रकार का संकेत कहते हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिसको जो आपके विपरीत में हो। तो स्वाभाविक जब क्रिया होती है, अब देखिए अंग्रेजी में भटकने की जरूरत है, अंग्रेजी में इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से आपको लगेगा कि सर क्या उल्टा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उल्टा नहीं, समझने की कोशिश करिए। स्वाभाविक का मतलब हो गया जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन ना लगी हो। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनल। अन दिया है तो रिस्पॉन्स, इसमें क्या हो जाएगी? कंडीशनल रिस्पॉन्स। ये क्या हो गया? स्वाभाविक। तो ये भी अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसको क्या कहेंगे? कंडीशनल स्टिमुलस। तो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस। कहने का मतलब है स्वाभाविक अनुक्रिया जब कोई स्वभाव से, जैसे हम कहते हैं कि शादी, किसी आपकी शादी हो रही है, अब मान लो आपकी हो चुकी होगी, तो मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, तो शादी हो रही है आपके मुताबिक हो रही है, आपकी मर्जी से हो रही है, तो यानी कि आपकी उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है, ठीक है। और आपके सामने कंडीशन लगा दी गई आपके स्वाभाविक नहीं हो रही है, तो वो क्या हो गए? अस्वाभाविक हो गए, ठीक है। और उद्दीपक कोई वस्तु हो गए। तो इसीलिए जब कोई स्वाभाविक क्रिया जिसमें किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन ना लगी हो, अनकंडीशनल। अस्वाभाविक क्रिया कोई कंडीशन लगे तो कंडीशनल। स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक कंडीशनल। तो ठीक है, तो ये अस्वाभाविक अनुक्रिया को हम लोग कहते हैं यूआर, जिसमें अनुक्रिया लगी होगी आर होगा। अस्वाभाविक को कहते हैं सीआर। स्वाभाविक उद्दीपक को कहते हैं यूएस और अस्वाभाविक को कहते हैं सीएस। शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, चार चीजें हो गई, यू आर, सी आर, यू एस, सी एस, ठीक है। अब देखिए पांच नाम इधर लिखवा, एक नाम और से भी पूछ दिया जाता है कि बताइए यह सिद्धांत किसने दिया। यू एस प्लस सी एस प्लस यू आर प्लस सी आर, इसमें से दो चार वर्ड है, चार में से चारों दे सकता है और लिख देगा आगे सिद्धांत किसने दिया। या हो सकता है इसमें से यूएस दे दे, सीएस दे दे, यूआर दे दे, सीआर ना भी दे, तो पूछ लेगा बताइए ये सिद्धांत किसने दिया। तो कहने का मतलब है जब भी ऐसा आ जाए जिसमें यूएस, यूएस, सीएस, यूआर, सीआर हो, तो सिद्धांत किसने दिया? पावलोव जी ने दिया। किसने दिया? पावलोव जी ने दिया, ध्यान रखिएगा। तो छठा नाम ये हो गया, तो पांच नाम वो, छठा ये, और कहां से बना वो? इन शब्दों से बना। तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी सिद्धांत नहीं, अभी तो हमने केवल आपको उसके जो फैक्ट्स हैं, जो जो सिद्धांत में आएंगे वो मैंने बताया, अभी प्रयोग नहीं बताया जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब हम प्रयोग पर चर्चा करेंगे, प्रयोग क्या है इनका। पढ़ते हैं प्रयोग। प्रयोग पावलोव जी ने प्रयोग अपना कुत्ते पर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया, और यही जो चार चीजें वही चीजें पर प्रयोग की है। प्रयोग जब किया तो वो एक मनोविज्ञान के लिए प्रयोग नहीं कर रहे थे, वो एक चिकित्सक, चिकित्सक थे, तो वो एक जो है एक प्रकार की खोज कर रहे थे चिकित्सा में। लेकिन वो खोज उन्होंने देखी कि ये तो व्यक्ति के जो है मानसिक क्रियाओं से संबंधित है, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, तो उन्होंने इसको मनोविज्ञान में जोड़ दिया, ठीक है। उनकी यह प्रयोग मनोविज्ञान में साबित हो गए। तो इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें क्या कहा कि एक कुत्ता था जो इस प्रकार से, आर्ट नहीं अच्छी है ये, यहां पर एक खिड़की लगी हुई है, ठीक है, और ये समझ लीजिए कि एक डॉगी है
ये आपका कुत्ता है, ठीक है, और इस कुत्ते का मुंह केवल समझने के अकॉर्डिंग आपका है, ठीक है। ये कुत्ता देखिए, अब ये चित्र बन गया है, पिछली बार से जो है बेटर है। और इसमें जो कुत्ते पर प्रयोग किया था सारी चीजें इसमें विधिवत हो गए। कुत्ता भी ठीक ठाक लग रहा है, इसके सामने एक कटोरा भी रखा है, सामने खिड़की भी है, ठीक है। ये बिल का भी प्रावधान इसमें हो गया है, घंटी वगैरह का है, ठीक है, यहाँ से। और कुत्ता बांध भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने किया क्या था, क्या जो है इनका प्रयोग था, वो पढ़ते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन रखा। क्या रखा? भोजन। कुत्ते के सामने भोजन रखा, तो सबसे पहले ये भोजन, भोजन किसके सामने रखा? कुत्ते के सामने। कुत्ते के सामने ये भोजन रखा गया। तो कुत्ते के सामने भोजन रखने पर इन्होंने कुत्ते कहा, कुत्ते पर जो है कुत्ते को भोजन लगा। और कुत्ते के सामने अगर भोजन रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसके मुंह में लार आ जाती है, लार बहेगी, लार बहना प्रारंभ हो जाएगा। अब भोजन रखा, अब भोजन रखते ही उसकी क्या बहना प्रारंभ हो गए? लार बहना प्रारंभ हो गए। भोजन कैसी क्रिया है? अभी हम लोग चार चीजें पढ़ रहे थे, यूएस, यूआर, सीएस और सीआर। भोजन हमने बताया था कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है उद्दीपक, तो ये स्टिमुलस तो है, ये क्या है? स्टिमुलस है। और लार बहना ये क्रिया हो गए, तो ये रिस्पांस हो गया, ये कर्म क्रिया हो गए। लेकिन भोजन कैसी क्रिया है? स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? लार कैसी है? स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? तो भोजन पर लार बहना ये दोनों स्वाभाविक क्रिया है। कुत्ते के सामने भोजन रखा जाएगा, लार बहेगी, उसको हड्डी दिखाई है, लार बहेगी। तो स्वाभाविक भोजन भी है और स्वाभाविक लार बहना भी है, और स्वाभाविक के लिए अनकंडीशनल आता है। तो यूएस पर यूआर क्रिया हो गई, यूएस पर यूआर क्रिया हो गई। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया, प्रयोग किया कि जब कोई घंटी बजा दी जाती है, घंटी को बजाया जाता है। अब आप बताइए, अब हमने घंटी बजाई और घंटी बजा करके खाना रख दिया कुत्ते के सामने, तो क्या, नहीं सॉरी, घंटी बजाई और घंटी बजाने पर उसके सामने खाना ना रखा जाए, क्या उसके मुंह में लार आएगी? हम कहें घंटी बजा दे कुत्ते के सामने और कहें उसके मुंह में लार आए, देखें उसकी तरफ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या लार आएगी? नहीं आएगी। क्यों? घंटी बजने पर कोई भी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि घंटी एक उद्दीपक है, मैंने बताया था ना, वस्तु, और घंटी एक प्रकार का संकेत भी है, उद्दीपक संकेत, चाहे संकेत में ले चाहे वस्तु में ले, घंटी एक उद्दीपक है, स्टिमुलस हो गया, लेकिन लाल नहीं बहेगी घंटी पर, उसकी लाल नहीं बहेगी, ये अस्वाभाविक है उद्दीपक। कैसा है? अस्वाभाविक यानी कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। अगर फिर इस क्रिया को उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, खाना नहीं रख, खाना लाल नहीं बहे, उसके बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना रख दिया कुत्ते के सामने, किसने? पावलोव ने। तो कुत्ते के सामने जैसे खाना रख दिया तो फिर उसके मुंह में लार आ गए, घंटी बजाई, खाना रख दिया, लार आ गई, लेकिन घंटी बजाने से लार नहीं आई। लार कब आई? जब घंटी बजाई उसके बाद खाना रखा, वो खाना देख करके उसकी लार आई। तो इस क्रिया को उन्होंने निरंतर बार बार किया, घंटी बजाई, खाना रखा, लार आ गए, घंटी बजाई, खाना रखा, लार आ गए, घंटी बजाई, खाना रखा, लार आ गए। एक टाइम ऐसा आया, ये क्रिया को जब बार बार करते रहे तो जैसे ही, जैसे नहीं, छोटा बच्चा होता है शुरुआत में क्या पता होता है कि भैया जी जा रहे घंटी बजाएंगे, इंटरवल हो जाएगा, नहीं पता होता ना। जब वो पढ़ता रहता है फिर धीमे धीमे देखता है कि भैया जी चौथे घंटे के बाद जा रहे हैं तो वो घंटी बजाने जा रहे हैं, उसको पता चल जाता है कि हमारा मध्यावकाश होने वाला है। तो इसी प्रकार से कुत्ते के सामने रखना, घंटी बजाई, भोजन रखा और लार बहना प्रारंभ हो गए, लार बहना प्रारंभ हो गए, घंटी बजाई, भोजन रखा, लार। भोजन तो अभी भी कैसी क्रिया है? यूएस, स्वाभाविक ही उद्दीपक है। और लार बहना कैसी प्रक्रिया है? अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए,
लार बहना यहाँ पर तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया थी, क्योंकि लार यहाँ पर उसकी अपने आप बह रही थी, स्वभाव में बह रही थी खाना देख करके। यहाँ पर घंटी बजने पर लार नहीं है, भोजन रखा गया, जबरदस्ती उसकी लार अवाई गई। क्या हुई? अवाई गई उसकी लार। तो यहाँ पर सीएस यूएस और यू आर नहीं सी आर, कंडीशन लगा करके उसकी लार बहवाई गई। बहा तो ये घंटी भोजन लार देना। फिर इस क्रिया को जब बार बार दोहराया गया तो घंटी, एक टाइम ऐसा आया कि घंटी बजी और तुरंती कुत्ते के जीभ पर लार आ गए। तो घंटी बजी और लार आ गई। अब ये उसके साथ स्वभाव में, अब ये उसके स्वभाव में हो गया कि घंटी बजी। घंटी तो अभी भी कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन जो लार बजी ये अब उसके स्वभाव में हो गया। तो ये अब कैसी बन गए? स्वाभाविक अनुक्रिया। तो बात समझ गए? यानी कि ये जो मेन जो चीज निकल करके आई, जो मैंने ये एरो बनाया, इस एरो को समझिएगा, दो एरो बनाए, तो जो मेन चीज हमारी क्या निकल करके आई? निष्कर्ष। निष्कर्ष ये निकल करके आया कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा, अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा, अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा कैसी क्रिया हो रही है? अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया। ये कारण पावलोव ने इस प्रयोग में निष्कर्ष के तौर पर निकाला। लेकिन इससे शैक्षिक निहितार्थ ये नहीं है, शैक्षिक निहितार्थ में अभी आपको बताऊंगा। ये निष्कर्ष निकला कि कोई भी व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक अनुक्रिया कर सकता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं बता दूं, छोटा बच्चा है, खाने पीने की चीज है, जैसे वो देखता है, भले वो चल ना पाए या कोई ऐसी रंग बिरंगी चीज देख रहा है, कड़ी कड़ी करके उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ठेला लगा हुआ है गोलगप्पे का, ठीक है, लड़कियां जा रही हैं, जैसे ही देखा गोलगप्पे का ठेला, तुरंत उनके मुंह में लार आ गई। ठीक है, लड़के हैं, मान लीजिए वो कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, जैसे उन्होंने देखा उनके मुंह में लार आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक अनुक्रिया, ये निष्कर्ष निकाला कि जब कोई कार्य को बार बार करते हैं। अब समझ गए, ये प्रयोग था, ये निष्कर्ष था। अब मैं आपको, और ये पूरा चित्र के माध्यम से, यहां से भोजन दिया जाता था, ये घंटी है, जैसे इसको बंद, ये ग्वाल है, इसको बंद कर देते थे, कुत्ते को पूर्ण रूप से बांध रखा है, उसको दापांदी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप जैसा देख रहे हैं। उसके बाद में शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है? भाई ये भी बहुत जरूरी चीज है कि इससे निष्कर्ष क्या निकला, बच्चों के लिए क्या निष्कर्ष निकला, शैक्षिक निहितार्थ सुनिएगा, पूरा आपको बता रहे शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलेगा सर, कि उद्दीपक के द्वारा कार्य करके, उद्दीपक यहां पर उद्दीपक क्या थे, अगर पूछ दिया जाए इसमें उद्दीपक बताइए, तो इसमें एक उद्दीपक आपका भोजन, दूसरा उद्दीपक आपका घंटी। भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक, घंटी जो है अस्वाभाविक उद्दीपक। अनुक्रिया क्या हुई? अनुक्रिया इसमें की थी क्या? लार ही बही और कुछ नहीं हुआ, लार ही बही। तो अनुक्रिया एक थी और उद्दीपक दो थे, लेकिन जो कंडीशन लगा करके लार बहवाई गई, उसमें दो प्रकार की लार बह गई, एक स्वाभाविक वाली बह गई और एक अस्वाभाविक वाली बह गई। ठीक है, अंत में अस्वाभाविक उद्दीपक थे, स्वाभाविक उद्दीपक। यानी कि कोई बच्चा अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है, उससे उस कार्य को निरंतर करवाया जाए, ठीक है, और वो भी क्या, उद्दीपक का प्रयोग करके, तो वो कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जैसे छोटा बच्चा है, आप पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं भैया पढ़ लो भैया, पुतवा पढ़ लो, अब पुतवा पढ़ ही नहीं रहे, तो आपने कहा ऐसा है तुमको एक चॉकलेट देंगे, अब पढ़ोगे, तो जैसे उसने चॉकलेट देखी, हाँ आप पढ़ेंगे, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक, आपने वो उसको चॉकलेट दे दी। अब दूसरे दिन फिर वही क्रिया, भैया पढ़ लो, नहीं पढ़ा, आपने कहा बेटा तुमको चॉकलेट देंगे, आपने उसको चॉकलेट दिखाई, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन आप कुछ ना करो, बोलो भी ना कि भैया पढ़ो, और खाली वो चॉकलेट निकाल करके रख दो, देखो बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक अनुक्रिया कराते। तो कहने का मतलब था ये एक प्रकार का शैक्षिक नेता। दूसरा, बच्चों को उनके वातावरण अकॉर्डिंग बना दीजिए,
ये भी इस चीज में बताया गया कि बच्चे को माहौल वातावरण जो है उसके अकॉर्डिंग बना दीजिए, उसके स्वाभाविक अनुक्रिया में तब्दील कर दीजिए, तो बच्चा अपने आप पढ़ने के लिए मोटिवेट रहेगा। जैसे अभी घंटी बनाने पर कुत्ता कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन भोजन रख दिया तो कार्य करने लगा। तो यानी इसके माहौल बनाया गया, इसके सामने भोजन जो रखा गया वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया रखी गई, स्वाभाविक अनुक्रिया कराने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक रखा गया। तो उसी प्रकार बच्चों के सामने भी स्वाभाविक उद्दीपक रखना पड़ेगा। तो ये था आपको पावलोव का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं स्किनर का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत। उनका नाम है विलियम स्किनर। चलिए देखते हैं इस सिद्धांत का जो है नाम क्या है। पहले तो नाम ही जान लीजिए। पहला क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्या नाम है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। दूसरा अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तीसरा नैमित्तिक नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। और देखिए इसी अनुक्रिया और उद्दीपक से, अनुक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स, तो आर हो गया। उद्दीपक को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस, तो ये क्या हो गया? एस। तो आर एस सिद्धांत हो गया। एक क्या आपका निकल क्या है? आर एस थ्योरी भी बोलते जाते हैं, आर एस सिद्धांत। आर एस, आर से अनुक्रिया हो गया और एस से आपका क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। तो आर एस सिद्धांत हो गया। ठीक है, अगला सक्रिय क्रिया का सिद्धांत। पांच नाम तो इसके भी हो गए। ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक स्किनर साहब। ठीक है, स्किनर साहब। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया? ठीक है, एक ट्रिक याद कर दीजिए, बहुत ही फेमस ट्रिक है। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थार्नडाइक की बिल्ली पर, थार्नडाइक की बिल्ली पर। और स्किनर का चूहा मर गया, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिंपैंजी पर, कोहलर के चिंपैंजी पर। तो ये फेमस ट्रिक है कि पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थार्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिंपैंजी पर। तो पावलोव ने कुत्ता यानी कि पावलोव के द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया, थार्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किया गया, स्किनर द्वारा चूहा पर किया गया, कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया। तो ये कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के हो गए। अब इसमें देख लीजिए किस पर किया गया? चूहे पर प्रयोग किया इन्होंने, चूहे पर किया। और एक और प्रयोग इनके द्वारा किया गया था कबूतर पर भी, कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन पूछा चूहे पर भी जाता है तो स्किनर के द्वारा। लेकिन अब इस सिद्धांत में हम कुछ और चीजों पर चर्चा करेंगे, उसके पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं। स्किनर के द्वारा पुनर्बलन के बारे में बताया गया। इसके द्वारा, स्किनर के द्वारा पुनर्बलन, इंग्लिश में इसको कहते हैं री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट। तो इसमें क्या इन्होंने बताया है पुनर्बलन में? पुनर्बलन वह बलन होता है, जैसे कहने का तात्पर्य मैं आपको बता दूं, वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति कोई निष्क्रिय माध्यम से सक्रिय माध्यम में कार्य करने लगता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, पुनर्बलन के द्वारा व्यक्ति जो है निष्क्रिय माध्यम से सक्रिय माध्यम में कार्य करने लगता है, सक्रिय माध्यम में कार्य करने लगता
ये आपका क्या कहलाता है? पुनर्वर्ण। क्या कहलाता है? पुनर्वर्ण। फिर से पढ़ लीजिए, निष्क्रिय माध्यम से सक्रिय माध्यम में कार्य करने की जो प्रणाली होती है वो क्या होती है? पुनर्वर्ण। कैसे इसको समझेंगे? जैसे आपके घर में अगर आपकी शादी हो गई हो तो बीबी, अगर नहीं हुई हो तो माताजी, अगर माताजी नहीं है तो कोई भी जो घर में खाना बनाता हो, और जो खाना बनाए वो मान लीजिए उसका मन नहीं है, उसका मन नहीं है खाना बनाने का, और आप गए, आपने कहा कि जैसे चाची हुई, ये चाची आप जो है छोले और भटूरे बहुत लाजवाब बनाती हैं, इतना बढ़िया, मतलब होटल में मैंने खाया ही नहीं कभी, होटल वाले फिर क्या बनाती हैं, मतलब उस दिन जो खाया था उसकी डकार आज तक आ रही है, तो कहने का मतलब ऐसा है। तो अब जो इतनी तारीफ, फिर वो इतना, और फिर आप उससे फिर ऐसी तारीफ करके बार बार इस क्रिया को मत अपनाइए कि पता चलो परसों भी तारीफ करी थी आज भी तारीफ कर दें, ये हर दिन लागू नहीं होगा, कभी कभार। अब तारीफ कर दी, अब फिर आपने कहा काश आज छोले खाने मिल जाते, चाची कहे अच्छा खाना चाहते हो, हाँ जानो चाची तुरंत खाना छोले बनाना प्रारंभ कर दिया। एक बार एक और अच्छा उदाहरण देता हूं, तो ये तो पुनर्वलन हो गए, लग गया पुनर्वलन। एक बार हमारे साथ में एक मित्र गए, और जाने के बाद में शाम का समय था, शाम के समय वो बाइक पर गए, थोड़ा मौसम खराब था तो उस दिन जो है कीड़े भी गिर रहे थे, बरसात का मौसम था तो कीड़े वगैरह थे, तो रात में चले बाइक पर थे हम, तो बाइक पर जैसे चले थोड़े कीड़े गिरे तो आंखों के सामने जो हेलमेट तो लगा था लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही थी, बार बार जो है वो हेलमेट पर आ रहे थे कीड़े। तो हमने उनसे कहा कि जो है क्या आप बाइक चलाएंगे? उन्होंने नहीं 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 हम बाइक नहीं चलाएंगे, आप चलाओ। हमने कोई बात नहीं, इधर से तो थोड़ा इतने कीड़े नहीं थे, इधर से तो हम चले गए, लगभग हमने 20 किलोमीटर का रास्ता तय किया। 20 किलोमीटर बाद में हम लोग एक दावत में पहुंचे, वहां दावत खाई, लेकिन मैं रास्ते भर कुछ ना कुछ माध्यम से उनकी बाइक चलाने की तारीफ करता गया कि वाह 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 आप इतने बढ़िया बाइक चलाते हैं, कि आपके बारे में वो कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा चलाते हैं कि जैसे कि आप चाहे जितने भी गड्ढे हों और गड्ढे वाली रोड पर एक्सप्रेसवे वाला जो फील है वो आप दिलवाते हैं। खुदा खास्ता जैसे हम लोग बारात में पहुंचे वहां पर भी दो चार लोगों ने ऐसा वहां पर माहौल बन गया कि बाइक की बात होने लगी, वहां पर भी लोगों ने जो है उनकी तारीफ कर दी। अब वो मतलब फूले नहीं समा रहे थे कि आई एम ए वेरी गुड बाइक राइडर। अब वो जब चलने की बात आई पुनः, तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा कीड़े गिर रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसा है इस बार हम बाइक चलाएंगे, जबकि वो पहले ऐसे नहीं चलाने वाले थे। तो रास्ते में जब चलाते हुए आ रहे थे तो बहुत कीड़े उनके मुंह पर आ रहे थे हेलमेट के लगाने के बावजूद भी, लेकिन वो सहते जा रहे थे, और वो बजे बजे तो हम उनसे पूछ रहे थे क्या भैया कोई तकलीफ तो नहीं, हम चला लें? अरे नहीं नहीं हम चला लेंगे। तो ये किसका प्रयोग था, ये किसका प्रयोग किया गया था? ये वहां पर पुनर्वलन का प्रयोग किया था। किसका? पुनर्वलन का। तो अब वो निष्क्रिय माध्यम में थे, चलाने वाले नहीं थे, उनको किस माध्यम में मैंने कर दिया? सक्रिय माध्यम में कर दिया। तो निष्क्रिय माध्यम से सक्रिय माध्यम में कार्य करने लगे, क्या कहलाएगा? पुनर्वलन। दो प्रकार के पुनर्वलन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आपका हो गया धनात्मक, एक आपका हो गया ऋणात्मक। एक आपका पुनर्वलन धनात्मक, एक ऋणात्मक। धनात्मक में जो पॉजिटिव वाली चीजें जैसे आ जाती है, जैसे आपके प्रशंसा आ गए और हमने उनकी क्या की? प्रशंसा की, ठीक है। पुरस्कार आ गया, इस प्रकार की चीजें जो हैं वो धनात्मक में आ गई। ऋणात्मक में जैसे कोई लड़का है उसको पुरस्कार दीजिए तो पढ़ने के लिए या उस काम को करने के लिए बार बार कोशिश करता है। ऋणात्मक में दंड, ठीक है, किसी की उपेक्षा कर देना, ये सारी चीजें किसमें आ गई? ऋणात्मक में आने। तो पुनर्वलन दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। और इस पुनर्वलन के बारे में स्किनर के द्वारा बताया गया, हाँ एक पुनर्वलन का सिद्धांत भी है, ध्यान कर लीजिए, पुनर्वलन का सिद्धांत भी है, वो दूसरे लोगों के द्वारा दिया गया है, वो यहां से मतलब नहीं, केवल पुनर्वलन के बारे में बता रहा हूं।
तो पुनर्बलन के बारे में इन्होंने बताया, जो पुनर्बलन जो बताया उसका प्रयोग इनके जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्रिया प्रसूत सिद्धांत है या सक्रिय क्रिया का सिद्धांत है, नैमित्तिक है, जो भी है, उसमें इनका बताया गया है, इस पुनर्बलन का प्रयोग किया गया है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर। अब हम लोग इनके प्रयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया था और इन्होंने जिस चूहे को जिस बॉक्स में बंद किया था उस चूहे के बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। क्या नाम था? स्किनर बॉक्स। उस चूहे को दिया जाएगा कि उस बॉक्स का नाम बताएं जिसमें चूहा बंद था, तो क्या नाम था? स्किनर बॉक्स। ठीक है, चलिए स्किनर बॉक्स, चलिए चित्र, चलिए तो ये चित्र आपका रहा। इस चित्र में चूहा है, एक यहां पर लाइट लगी हुई है, ये लीवर है जिसको पकड़े हुए है, ये वाटर है, ये फूड ट्रे रखी हुई है। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने जो सिद्धांत था, मैं उस सिद्धांत को लिख दूं, उसका नाम था अनुक्रिया उद्दीपक। समझिए, अनुक्रिया उद्दीपक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा, यानी कि सबसे पहले इसमें अनुक्रिया होती है। ये चूहा जो है वो इधर उधर देखे, चूहे कमरे में छोड़ दो, चूहा एक जगह पर नहीं गए, ये इस कोने में, फिर वो कोने, फिर दूसरे कोने, फिर तीसरे कोने, कहने मतलब है इस कोने से उस कोने तक भ्रमण करता रहता है चूहा। तो वो ऐसे ही भ्रमण करता हुआ जा रहा था, इसमें ऐसे उसने अनुक्रिया की, इधर गया उधर गया इधर गया, एक खिड़की लगी हुई है, ठीक है, उधर से भी देखा नहीं कुछ, तो ऐसे ही ले गया और ये जो लीवर लगा है खटका, उस लीवर पर उसका पैर गया ऐसे, और जैसे गया ऊपर से पटाख से एक जाली लगी हुई, उस जाली से खाना गिर जाता है इस ट्रे फूड में। जैसे ही खाना गिरता है उसको खाना मिल जाता है। खाना यानी भोजन, भोजन जो है भोजन ये आपका क्या है? दीपक है। तो यानी कि अनुक्रिया उसने सबसे पहले की और फिर उसको क्या मिला? उद्दीपक। इसमें दो उद्दीपक हैं। इस प्रयोग को लाइट के आधार पर भी कर सकते हैं और खटके के भी आधार पर कर सकते हैं। चूहा इधर उधर इधर उधर इधर उधर गया और जाने के बाद में उसका पैर लीवर पर पड़ा और लीवर पर पड़ा उसको क्या मिल गया? भोजन मिला। ये उसका क्या हो गया? उद्दीपक हो गया, यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपक सिद्धांत। दूसरी चीज, यहां पर एक लाइट लगी है, इसी प्रकार का बिल्कुल कबूतर पर भी प्रयोग हुआ था। कबूतर भी था, उसको यहाँ पर लाइट लगा दी गई। अब ये देखिएगा, मैं इसको कबूतर के साथ आपको बता रहा हूँ। लाइट लगी, लाइट पर क्या हुआ? दो कलर डाले गए, दो कलर। चलिए एक उन्होंने ले लिया लाल और एक उन्होंने ले लिया नीला। तो जब लाल कलर डाल रहे थे, अब कबूतर की स्वाभाविक क्रिया क्या? चोंच मार रहा था। जैसे ही लाइट जहां जा रही थी वहीं पर लाइट इधर आई, चोंच यहां मार दी, लाइट इधर गई, चोंच यहां मार दी, लाइट इधर गई, चोंच वहां मार दी, जहां लाइट वहां चोंच। अब यहां पर लाइट थी, लाल लाइट लगी, चोंच मारी, दाना नहीं गिरा। नीली लाइट पर चोंच मारी, दाना गिरा। फिर उसने लाइट आई, फिर दाना नहीं गिरा। नीली पर दाना गिरा, लाल पर नहीं गिरा, नीली पर दाना गिरा, चोंच को सब पर मार रहा था। धीमे धीमे क्रिया निरंतर भी, तो लाल पर जब उसने मारना बंद कर दिया क्योंकि उसको पता चल गया कि लाल पर हमको दाना नहीं, और जब नीली लाइट जलती तभी चोंच मारता था तो उसको दाना मिल रहा था। तो कहने का तात्पर्य था, जैसे कभी कभार बच्चा क्या होता है, बच्चे के बारे में बताता हूं। शुरुआत में बच्चा स्कूल नहीं जाता है, स्कूल में एडमिशन हो गया नहीं गया, उसके बाद में जैसे ही अगले दिन गाड़ी आती है, रिक्शा वाला आया, उसको देख करके ही गुस्सा होने लगा। फिर स्कूल जाता था, फिर स्कूल में वो दिन काटता था कि कैसे कैसे ये दिन कट जाए अगले दिन, और फिर वो घर पहुंचता था खुशी हो जाता, फिर अगले दिन स्कूल जाने की उसको टेंशन, फिर वो स्कूल जाता फिर उसको अच्छा नहीं लगता, फिर वो रिक्शा वाले देख को गुस्सा करता, फिर उसको टाइम स्कूल में काटना पड़ता कि कैसे कैसे टाइम कटे और उसके बाद में फिर हम घर जाएं। लेकिन जब वो लगातार स्कूल जाता रहता है, फिर वहां पर उसके दोस्त बन जाते हैं, फिर उसको अच्छा लगने लगता है, फिर माहौल बन जाता है, फिर अपने आप स्कूल जाने लगता है। जिस प्रकार से इस समय सभी बच्चे लॉकडाउन में घर में परेशान हो गए,
कहते स्कूल हमको भेजा जाए, लेकिन स्कूल खुल नहीं गए। लेकिन तो वही कहने का मतलब है कि वो धीमे धीमे उनकी आदत में आ जाता है। वैसे नीली बटन लाल लाइट, नीली लाइट चूहे का दाना मिलना, तो ये दो प्रयोग उन्होंने किए, एक चूहे पर और एक उस पर। तो कैसा किया, पहले अनुक्रिया बाद में उद्दीपक, पहले अनुक्रिया और बाद में जब उद्दीपक की क्रिया कराए तो वो स्किनर के द्वारा कराए गए थे। तो ये आपका था दूसरा। तो इसमें क्या उन्होंने बताया कि जब कोई क्रिया को हम बार बार कराते हैं तो वो धीमे धीमे उस क्रिया के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत था स्किनर का सिद्धांत, स्किनर बॉक्स में, ये बॉक्स जो है वो स्किनर बॉक्स है। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। अगला सिद्धांत आता है, अगला सिद्धांत इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा कर दो, इसका जस्ट अपोजिट है वो सिद्धांत दिया गया आपका खांडाई के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, खांडाई के द्वारा दिया गया। उस सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, और खांडाई प्रतिपादक इसके थॉर्नडाइक के द्वारा सिद्धांत दिया गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखिए इसको हम लोग क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उद्दीपक को यस, अनुक्रिया को आर। तो ये कैसी थ्योरी हो गई, ऐसा आप थ्योरी। ठीक है, जिस पूछ दिया जाता है इसको आप किस नाम से, तो ऐसा आप नाम से जानते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था थॉर्नडाइक की बिल्ली पर प्रयोग किया था, और जो इनका बॉक्स था, जो इनका बॉक्स था, बॉक्स, तो उस बॉक्स में इन्होंने बिल्ली को बंद किया था, उसको हम लोग कहते थे उलझन बॉक्स। क्या कहते हैं, उलझन बॉक्स। उस बॉक्स का नाम उलझन, उलझन का मतलब ये नहीं उल्टी वाली उलझन नहीं, उलझन का मतलब उलझ गए, पजल, समझ गए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पजल वाली जो है, पजल वाली उलझन, उलझन उल्टी वाली नहीं, पजल बॉक्स। तो इन्होंने बॉक्स में एक बिल्ली को बंद किया, बॉक्स में एक बिल्ली को बंद किया, बिल्ली को। तो उस बिल्ली, तो इसमें हुआ क्या, इसमें यहां पर इन्होंने जो बिल्ली ली, बिल्ली, उस बिल्ली इस उलझन बॉक्स में बंद है, उसने क्या किया, कोई क्रिया नहीं की, कोई क्रिया नहीं। इसके सामने एक जाली लगी थी, एक प्रकार की जाली लगी, उस जाली से बाहर आना चाहता है। इस बिल्ली शांत अंदर चुपचाप बैठी, चूहे की तरह बिल्कुल नहीं है। उसके सामने खाना रखा गया, इसमें क्या, इसमें मतलब कोई भोजन रख दिया गया, और बिल्ली का फेवरेट भोजन आपको पता है क्या, चूहा, यानी बलि वगैरह चूहे बनेगा, चूहा मान लीजिए, फ्रेश एकदम ताजा कड़क हष्ट पुष्ट बिल्कुल एक प्रकार का दमदार चूहा रख दिया उसके सामने। अब बिल्ली मार जीव लपलपाई है, उसने तुरंत ही क्या किया, तुरंत उसमें चहल करनी चालू कर दी, और ये जाली जो थी वो इस प्रकार की थी कि मतलब टूट वगैरह गया। कोशिश की दो चार बार, तीसरी चौथी पांचवी बार में टूट गई और उसको भोजन मिल गया। कहने का मतलब था उद्दीपक, उसके सामने पहले भोजन रखा गया, भोजन यानी जो फ्रेश फ्रेश चूहा रखा गया, वो चूहा रखने के बाद में अनुक्रिया हुई, तब इसने इसमें क्या किया, बिल्ली ने गेट तोड़ने की कोशिश की, तब तक नहीं इसने गेट तोड़ने की, जब तक कि उद्दीपक को नहीं रखा, उद्दीपक रखा फिर अनुक्रिया। तो इसीलिए सिद्धांत को क्या कहा गया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बस समझ गए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि जब कोई बालक कार्य ना करे तो उसके सामने आप कुछ ऐसा उद्दीपक प्रयोग करें जिसके लिए वो कार्य करने के लिए तत्पर हो जाए। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया क्रिया, और इस थ्योरी को कहते हैं एसआर थ्योरी। क्या कहते हैं, एसआर थ्योरी। तो प्रयोग इनका किस पर था, चूहे पर था। ठीक है, अब लास्ट सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, सूज का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, सूज। हमारी एक बड़ी मासी तो अब वो इसमें इस दुनिया में नहीं है, तो जब थी तो एक बार बरसात में खेल रहे थे छोटे पर, उस पर छत पर,
तो पानी बरसा था, तो पानी लग, जब बरसात के मौसम में लगातार पानी बरसता है तो कहीं कहीं किनारे किनारे पर काई लग जाते हैं, तो जो है गिरने का डर हो जाता है अगर उस पर चलेंगे। तो ऐसे जा रहे थे तो खेल रहे थे, तो उन्होंने हमको दो बार मना किया कि भैया किनारे मत जाना। कन्नौजी भाषी ने, कन्नौजी भाषा में उन्होंने बोला कि भैया किनारे मत जाइयो, ने गिर पड़ी हो। हम नहीं माने, गिर गए, कान लगे ले नहीं मान्यो, जू जिगे हो मतलब जू जिगे हो कन्नौजी में, लेकिन उनको कह अब तुम्हें जू जिगे हो मतलब गिर गए हो, चोट लग गए, कह अब सुझानो, इतनी देर से बताई लेना तब नहीं सुझानो, सुझानो कन्नौजी में, लेकिन सुझाना का मतलब सूझ, सुझाना का मतलब सूझ, यानी कि आप समझे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, समझना। तो बड़ी बड़ी मां जो थी वो कह रही थी कि आप समझे, आप सुझानो जब गिर पड़े, तो सूझ समझ का सिद्धांत, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या सूझ का सिद्धांत था? इसी सूझ का सिद्धांत को मैं बताता हूं। उसमें देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक शब्द के बारे में जिसका नाम है गेस्टाल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पोस्टमार्टम करेंगे इसका आज हम। गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा से लिया गया है, जर्मन भाषा का एक शब्द है गेस्टाल्ट, ठीक है, जर्मन भाषा से लिया गया है। इस गेस्टाल्ट को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिगुरेशन, क्या कहते हैं, कॉन्फिगुरेशन, और इसका हिंदी में अर्थ होता है समग्र। क्या अर्थ होता है? समग्र मतलब इकट्ठा, इकट्ठा करना। समग्र को और बढ़िया तरीके से मीन्स इसका लिख लें तो ये हो जाएगा इकट्ठा करना, समग्र। अब जर्मन भाषा का शब्द जो है वो गेस्टाल्ट था, समग्र। अब इसमें से एक समग्रवाद का सिद्धांत भी दिया गया, क्या दिया गया, समग्रवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को भी समग्रवाद का सिद्धांत कहते हैं या सूझ का सिद्धांत, समझवाद, समग्रवाद का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, ठीक है, सूझ का सिद्धांत। तो समग्रवाद का सिद्धांत हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं अवयवी सिद्धांत। क्या कहते हैं? अवयवी सिद्धांत। इसी को हम लोग अवयवी सिद्धांत भी कहते हैं, अवयवी सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये अवयवी सिद्धांत हो गया। अब इसके बारे में हम लोग कब बात करते हैं, संपूर्णवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, ये भी एक इसी से संबंधित है। तो एक तो हो गया गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, और एक और होता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। एक और नाम बता दे रहा हूं, गेस्टाल्ट वाद का सिद्धांत। नाम सब बता देंगे आपको, पढ़ना आपको है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतनी हमारी बहुत अच्छी ना, समझ करके हमको दे देना, वीडियो को क्या करना है आपको, शेयर कर देना है। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का, सूझ का, ठीक है, अवयवी का सिद्धांत, इसको अवयववाद भी बोलते हैं, संपूर्णवाद का सिद्धांत, सूझ का मतलब समझना, गेस्टाल्ट का मतलब समग्र, गेस्टाल्ट का मतलब समग्र। या हम इस प्रकार से कहते हैं, संपूर्णवाद है तो संपूर्ण आकार को इकट्ठा कर देना, संपूर्ण आकार को, आकार को इकट्ठा कर देना, ठीक, इकट्ठा कर देना, ये हो गया संपूर्णवाद का सिद्धांत। दूसरी चीज, गेस्टाल्ट शब्द जो है, पूछा जाता है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत कौन सा है, तो वही सूझ का सिद्धांत। अगर पूछ दिया जाए गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो नाम एक आता है वर्धीमन, इसको कहीं कहीं पर वर्दाइमर भी लिखा है, जो आपको मिल जाए, वर्धीमन या वर्दाइमर। तो गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्धीमन और वर्दाइमर, सॉरी वर्धीमन के द्वारा किया गया है, ठीक। अब इसी
नाम मानता है। हमने बता दिया सूद का सिद्धांत किसने दिया, अच्छा नहीं लिखा तो यहां पर लिखे दे रहे प्रतिपादक कोहलर। क्या नाम आ गया, कोहलर। एक नाम कोफा है, क्या नाम है, कोफा, कोफा। एक नाम आपका कोहलबर्ग है। ये सभी ने सिद्धांत नहीं दिया है, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कोहलर के द्वारा। तो ये कोहलर इसके प्रतिपादक हो गए अलग। फर्दीमर भी गेस्टाल्टवादी हैं, जर्मन के रहने वाले हैं। कोफा भी गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर भी गेस्टाल्टवादी हैं, और कोहलबर्ग भी गेस्टाल्टवादी हैं। तो ये सभी गेस्टाल्टवादी हैं, जर्मन के रहने वाले हैं। तो जो एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा गेस्टाल्टवादी नहीं है, तो चार ऑप्शन दिए थे, उसमें तीन नाम यही थे इन्हीं में से, और एक नाम अलग था, वो नहीं वाला बताना था। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। तो पूछ दिया जाए गेस्टाल्टवाद शब्द किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया, फर्दीमर के द्वारा। गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत किसने दिया, तो वो कोहलर ने दिया। किसने दिया, कोहलर ने। समझ लीजिए, अगर पूछ लिया जाए गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कोहलर के द्वारा। गेस्टाल्टवाद शब्द जो कॉन्फिगरेशन है वो किसने दिया, फर्दीमर ने दिया। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, ठीक है। तो ये पांच नाम, एक सूजका, एक गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद, अव्ययीवाद और संपूर्णवाद, ठीक है। पांच प्रकार के नाम हो गए, सारी चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी। तो ये तो सिद्धांत के बारे में अभी रूपरेखा, प्रयोग क्या था अब उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। प्रयोग भी तो पता होना चाहिए। तो इन्होंने जो कोहलर साहब थे, इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो एक चिंपैंजी पर किया था। एक क्वेश्चन टीटी में आया था कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, उसमें ऑप्शन बंदर भी था। क्या ऑप्शन था, बंदर। तो लोगों ने जल्दी में देखा नहीं और बंदर लगा दिया। प्रयोग चिंपैंजी, हिंदी में वनमानुष, वनमानुष पर किया गया। तो जो चिंपैंजी पर इन्होंने किया, इसका एक नाम पर्टिकुलर था और नाम था इनका सुल्तान। पिक्चर देखिए आप लोगों ने, सुल्तान। तो सुल्तान इनका नाम था चिंपैंजी का। तीन प्रयोग किए, कितने, तीन, एक दो तीन। पहला प्रयोग किया जो इन्होंने वो एक बॉक्स पर किया, दूसरा प्रयोग जो किया वो दो बॉक्स पर किया, तीसरा प्रयोग किया वो दो क्षणों पर किया, एक प्रयोग एक बॉक्स पर, दूसरा दो बॉक्स पर, तीसरा दो छड़ों पर। तो सर ये क्या बता रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा बॉक्स बॉक्स क्या। देखिए चिंपैंजी को एक जेल में बंद कर दिया गया, अंदर जेल है, ठीक है, जेल में बंद किया गया चिंपैंजी को। और जो ये चिंपैंजी है इसके पास में एक बॉक्स डाल दिया गया, ठीक। और जो ऊपर केले है, यहां पर केले टांग दिए गए, ऊपर केले टांग दिए गए। चिंपैंजी कूद लेता है, लेकिन चिंपैंजी से केले इतनी दूरी पर थे कि वो एक बार में कूद करके या कई बार में कूद करके उन केलों तक पहुंच नहीं सकता था, उन केलों तक पहुंच नहीं सकता था। लेकिन फिर क्या किया, उसने देखा कि इस कमरे में एक बॉक्स पड़ा है, उसने धीमे से उस बॉक्स को खिसका लाया, खिसका के अंदर थोड़ा सा इधर हटा लिया और फिर वो कूद रहा था। ऐसे अचानक से उसने एक बार बॉक्स पर चढ़कर के छलांग लगाई और उसका हाथ उन केलों तक पहुंच गया, उसको केले मिल गए। फिर उसने ये छलांग मारी और फिर दूसरा केला ले लिया उसी पर रख करके। लेकिन जो इसने ये जो छलांग उस पर मारी, इस पर उस बॉक्स से जो केले के लिए पानी के लिए छलांग मारी, वो उसकी अचानक से सूझ उत्पन्न हुई, उसको सूझा कि ये भाई बॉक्स यहां पर रखा है, ये बॉक्स है, और अगर इस बॉक्स पर से ये सूझा कि इस बॉक्स पर से अगर हम छलांग मारे तो हमको केले मिल जाएंगे, ये सूझा। और यही सूझ तो इसीलिए तो इसका नाम रख दिया गया सूझ का सिद्धांत, सूझा, सुझानो कि ना सुझानो भगवान का। तो सूझा तो उसके बॉक्स में, बॉक्स पर चढ़ करके उसको केले मिल गए, पहला सिद्धांत। तो कोहलर साहब ने कहा वाह भाई बेटा बहुत होशियार है, आखिर हमारे पूर्वज, चलिए देखते हैं, हम भी देखते हैं कैसे क्या करोगे। उन्होंने और थोड़ा दिमाग लगाया, दो बॉक्स रख दिए और केलों को और ऊपर चढ़ा दिया और ऊपर टांग दिया। अब दो बॉक्स इसमें हो गए,
कोलक चिंपैंजी सुल्तान सुल्तान ने क्या कहा कि हम चलिए कोई बात नहीं, हमने केले और टांग दिए। उसने एक बॉक्स ली, बॉक्स पर चढ़ा, फिर छलांग मलाई लगाई बॉक्स के ऊपर से, लेकिन उसको केले नहीं मिले। फिर उसको अचानक सूझ गया कि अगर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख दें, तो अगर हम दो बॉक्स के ऊपर चढ़ करके छलांग मारते हैं तो हमको केले मिल जाएंगे। फिर ये सूझा, फिर ये सूझा उसको, बॉक्स के ऊपर उसने बॉक्स रखा और चढ़ करके उसने छलांग मार दी और उसको केले मिल गए। अब कोहलर साहब कहने लगे, ये तो भाई वाकई बहुत होशियार निकला। कह ठीक बेटा, बॉक्स वाला तो तुम समझ गए हो, हम तुम्हारे साथ एक और खेलते हैं। खेल उन्होंने क्या लिया, दो छड़े ले लिए, बॉक्स हटा दिए और दो छड़े उसके अंदर जेल के अंदर डाल दिए। और क्या किया, दो छड़े डालने के बाद में उन्होंने, दो छड़ ऐसी थी जो एक दूसरे से फोल्ड हो सकती थी चूड़ीदार घुमा करके, और उन्होंने इस जेल के बाहर केले टांग दिए इधर। अब सबसे पहले चिंपैंजी ने हाथ डाल करके केले लेने की कोशिश की, नहीं मिले। उसने एक एक छड़ी उठाई, उस छड़ी उसको सूझा कि छड़ी लगा करके, छड़ी से भी उसने मतलब वो करने की कोशिश की केले लेने की, नहीं मिले। फिर उसे सूझा कि दो छड़े हैं, कितनी छड़े हैं इसमें, दो छड़े हैं, अगर हम दोनों छड़ों को ले लें। अब उसने दो छड़ों को ऐसे ऐसे जोड़ने की कोशिश की, नहीं जुड़ा, क्योंकि जिस तरफ चूड़ीदार था दूसरी तरफ उधर वाला नहीं था, दूसरी तरफ सादा था, जोड़ने की कोशिश करता रहा नहीं जुड़ा। फिर अचानक से उसने सूझा, अचानक से, देखिए इस चीज में पूछा जाता है किस सिद्धांत में यादृच्छिक क्रिया होती है, यह प्रश्न आ जाए कि यादृच्छिक क्रिया, यादृच्छिक माने होता है अचानक, ये सब अचानक सूझ रहा है इसको, अचानक उसको सूझा कि पीछे से मैक करके इसको जिधर दोनों तरफ चूड़ीदार उनको मिक्स कर दिया जाए तो उसको क्या मिल जाएगा, उसका जो है यादृच्छिक क्रिया हो जाएगी, और उससे जो है चिंपैंजी को, चिंपैंजी ने उन दोनों को जोड़ दिया और आराम से ऐसे डाला और दोनों छड़ों से उसने केले तक पहुंच गए, उसने केले को खींच लिया। तो कहने का तात्पर्य था कि इसमें जो उन्होंने बताया कि कभी कभार जो बालक है वो उसके अंदर अकस्मात क्रियाएं होती हैं और उन अकस्मात क्रियाओं के द्वारा उसको उस कार्य करने के लिए सूझता है और सूझने से वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है या कार्य को संपन्न कर देता है। बालक में ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो कभी कभार ये एक प्रकार के उद्दीपक हो गए कि ऐसे उद्दीपक उसको प्राप्त हो जाते हैं जो यादृच्छिक क्रिया करते हैं, अचानक क्रिया हो जाती है बच्चों के साथ में और वो सीख जाता है, वो सीख जाता है। जैसे कभी कभार होता है छोटा बच्चा है रास्ते में जा रहा है और रास्ते में जा रहा था, एक दिन उससे कहा गया कि घर में किनारे किनारे चलना, नहीं मान रहा था, एक दिन निकला और उसके पीछे से ठोकर लग गई साइकिल की। अब दूसरे दिन वो क्या करेगा, वो बिल्कुल किनारे किनारे चलेगा, उसके साथ में अचानक ये घटना हुई यादृच्छिक क्रिया और दोबारा में वो सीख गया किनारे चलने लगा। उसी प्रकार से तो इस सूर्य के सिद्धांत में कोहलर साहब के द्वारा बताया गया कि जैसे जिस प्रकार से चिंपैंजी के द्वारा यादृच्छिक क्रिया हो रही है उसी प्रकार से बालक के द्वारा भी अकस्मात क्रियाएं करके सीखने का प्रयास करता है, सभी चीजों में सीख ही रहा है, सीखना चाहता है। तो अधिगम के सिद्धांत में यह आपका चौथा सिद्धांत हमने पढ़ लिया, सूझ का सिद्धांत, ठीक है। और एक और सिद्धांत है जिसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दे रहा हूं, SOR सिद्धांत, स्टिमुलस ऑफ रिस्पॉन्स। तो यह सिद्धांत जो है वो वुडवर्थ के द्वारा दिया है, इसके द्वारा वुडवर्थ, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, वुडवर्थ के द्वारा सिद्धांत दिया गया है, ठीक, बस इतना कहेंगे। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन में अधिगम के सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, अभी अधिगम के बहुत सारी चीजें बताए हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो कैसा लगा लिखिए, आप लिखिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लिखा तो खराब लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो भी आपको पसंद हो वो लिखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।